बैलगाड़ी क्यों रोक दी? भूख लग रही है, थोड़ी भाकरी खा लेते हैं, उसके बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। तुम एक काम करो, वहाँ पे जाके पोटली खोल के खाना परोसो, तब तक मैं बाजू वाली नदी पर बैलों को पानी पिला कर आता हूँ। लेकिन यहाँ अकेले कोई जानवर आ गया तो? मैं भी चलती हूँ आपके साथ, वही नदी के पास खा लेंगे। डरो मत, ये जगह सुरक्षित है, यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पर जंगली जानवर का कोई खतरा नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? कहीं ये रास्ता तो नहीं भूल गए? सुनाई दे रहा है? सुनिए। श्रीरंग जी, श्रीरंग जी, मुझे छोड़ के तो नहीं, नहीं। मेरे साथ नहीं रहना था तो घर से निकाल देते, इस तरह अकेले जंगल में मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? भगवान मदद कीजिए। मायके आना ही नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी कि आप सब मेरी वजह से दुखी हो, परेशान हो। लेकिन लेकिन जाती भी तो कहां? ससुराल वालों के रजामंदी के बिना तो मेरे पति ने मुझे जंगल में नहीं छोड़ा होगा, इसीलिए इसीलिए वहां वापस जाने का फायदा नहीं था, कोई और जगह मालूम भी नहीं थी। गाड़ी वाले को अपने कान की बालियां दी और यहाँ आ गई।
और यहाँ पहुंचकर आप सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। उस श्रीरंग की ये हिम्मत, हमारी बहन के साथ ऐसा धोखा, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। मैं अभी बैलगाड़ी तैयार करता हूं दादा, हम अभी उसके घर जाकर उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। नहीं, तुम दोनों ऐसा कुछ नहीं करोगे। पर बाबा वो तो मामला नाजुक है बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, वरना बात बिगड़ सकती है। तुम्हारी बहन की जिंदगी का सवाल है, पहले हम सबको अच्छी तरह से बात समझने तो दो। अब और क्या समझना है बाबा? यही कि ऐसा क्या हुआ जो जावे बाबू ने ऐसा कदम उठाया? अंबा, ऐसी क्या समस्या हुई तुम दोनों के बीच? गोदावरी जी अभी ये सदमे में है, ज्यादा पूछताछ करना समझदारी नहीं होगी, इसे खुद को संभालने को वक्त दीजिए। आप इसे अंदर ले जाइए, थोड़ा आराम कर ले, फिर पूछिएगा। चलो अम्बा, परेशान मत हो, ये तुम्हारा ही घर है, चलो अंदर चलो। मैं चलता हूं, गोदावरी जी के लिए थोड़ी देर में उदी लेकर आऊंगा। साई, हम आपको लकड़ियां देना तो भूल ही गए। लकड़ियां? अब उसकी जरूरत नहीं है। समझा साई, आप बस यही चाहते थे कि हम अंबा तक पहुंचे, है ना? प्रणाम साई। प्रणाम। राम जी भला करें। आपने बुलाया साई? हाँ, आज सावन का आखिरी सोमवार है, क्यों ना आज महादेव का अभिषेक किया जाए। सही, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। अभिषेक यही द्वारका माई में होगा। श्यामा, तुम यहाँ रुको मेरी मदद करने के लिए। जो आज्ञा साई। और आप लिंडी बाग से बेलपत्र, धतूरा और फूल लेकर आइए। जैसा आप कहे साई। चलो। श्यामा, आज अभिषेक में एक विशेष व्यक्ति सम्मिलित होने वाला है। लाख निरंजन। कहाँ पहुंचे हैं हम? शिरडी गांव है गुरुदेव। मैंने भारतवर्ष के जिस भी नगर, जिस भी गांव में भ्रमण किया है, एक ने एक शिष्य अवश्य बना है। 150 शिष्य ऐसे ही बने हैं। अब शिरडी का भी भाग्य उदय होने वाला है। मैं शिरडी को अपना 151वां शिष्य लेकर जाऊंगा। अलाख निरंजन। इस बार शिवजी का अभिषेक साई खुद करेंगे तो उसका आनंद कुछ और ही होगा।
अलख निरंजन। प्रणाम। आयुष्मान भव। आपको पहले कभी देखा नहीं शिरडी में? ये हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव नटराज। शिरडी में पहली बार आए हैं। अरे वाह, शिरडी में आपका स्वागत है। महादेव के भक्त, उनका भक्त कौन नहीं है? लेकिन गुरुजी से बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं। गुरुजी महादेव की नगरी काशी से हैं। अरे वाह, वर्षों महादेव की तपस्या करने के बाद स्वयं महादेव से ही नहीं यह सिद्धि प्राप्त हुई है। अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। मैं अपने शिष्यों को भी यही बता रहा था कि शिरडी का भाग्य उदय होने वाला है जब मैं यहाँ के सबसे योग्य व्यक्ति को अपना शिष्य बनाऊंगा। और देखो, ये कहते ही दोनों महादेव के भक्त मेरे सामने आ गए। हाथ में धतूरा बेलपत्र, दोनों महादेव को प्रिय हैं। और ये संकेत है कि मैं तुम दोनों को अपना शिष्य बनने का सौभाग्य प्रदान करूं। गुरुदेव का ये कहना अपने में ही भाग्य उदय की बात है। यदि इन्होंने आप दोनों को शिष्य के लिए चुना, मतलब ये स्वयं महादेव की इच्छा है। क्षमा कीजिए हमें, आप बेशक बड़े सिद्ध पुरुष होंगे, लेकिन हमारी नैया पार लगाने वाला हमारा खिवैया हमें बरसों पहले मिल चुका है। हम शिरडी वासियों के पहले ही एक गुरु हैं, हमारे साई बाबा। साई? कौन साई? साई मानो तो सब कुछ है, और ना मानो तो कुछ भी नहीं। पहले मत बुझाओ मेरे साथ। मैंने पूछा कौन है साई? किसी के लिए फकीर, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए बंधु, किसी के लिए सखा, किसी के लिए माता भी, किसी के लिए पिता भी, तो किसी के लिए सिर्फ बैरागी। साई जिसे जो रूप दिखाना चाहे वो वही रूप देख सकता है। हमने तो साई को ईश्वर का रूप मान लिया है। अचानक हवा इतनी तेज कैसे हो गई? श्यामा, जैसे इंसान के मन में आंदोलन होते हैं, वैसे ही प्रकृति में भी आंदोलन होते हैं। हमें इसका आदर करना चाहिए। अभिषेक से पहले महादेव का आवाहन करने के लिए मैं ध्यान कर रहा हूं। मेरा ध्यान कोई भंग न करे, इसका दायित्व तुम्हारा है श्यामा। जो आज्ञा साई। अभिषेक के लिए पानी लाना रह गया, लेकिन अभी साई को ध्यान में छोड़कर कैसे जाऊं? कहीं कोई आया और साई का ध्यान भंग कर दिया। बैरागी, एक साधारण बैरागी को गुरु कहकर ना केवल तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है, बल्कि अपने अज्ञानी होने का और मन में छाए अंधकार का परिचय भी दिया है। क्रोध ना करें गुरुदेव, इनका दोष नहीं, इन्होंने आपकी शक्ति नहीं देखी है। Thank you.
गुरुदेव की जय हो। देखा हमारे गुरुदेव का चमत्कार, और तुम लोग इनकी तुलना कर रहे हो उस साई से। यकीनन आप बहुत बड़े योगी हैं। हमारी किसी बात से आपको अगर बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको आपका शिष्य मिल जाए। चलो खराब। जिस साय के लिए तुम दोनों हमारी उपेक्षा कर रहे हो, मुझे उस साय के पास लेकर चलो, फिर दिखाता हूं कि एक साधारण बैरागी और एक सिद्ध योगी में क्या अंतर है। क्यों डरते हो कि कहीं तुम्हारे साई को मेरे सामने झुकना ना पड़ जाए? साई का दरबार सबके लिए खुला है। हम कौन होते हैं आपको वहां जाने से रोकने वाले? आइए चलिए। अप्पा जी और निशांत अब तक नहीं आए, मौसम भी खराब हो रहा है। काका मैं पानी ले आई। शुक्रिया रंभा। देखो मौसम बहुत खराब है, तुम घर जाओ, जब तक ठीक ना हो जाए बाहर मत निकलना। ठीक है काका मैं चलती हूँ। आइए आइए। ये कौन है अप्पा जी? ये गुरुदेव नटराज है, साईं से मिलना चाहते हैं। प्रणाम। साईं अभी ध्यान में है, आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। प्रतीक्षा? हमारे जैसे सिद्ध योगी के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बोल रहे हो आप? बहुत हमारे आगमन पर राजा महाराजा अपना काम काज छोड़कर हमारे सत्कार के लिए आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, साई का यही आदेश है कि उनके ध्यान में किसी किस्म की बाधा ना आए। आदेश तुम्हें दिया होगा, तुम जानो, हम किसी के आदेश से बाध्य नहीं हैं। निरंजन उठ, बहुत सुन लिया तेरी महंता के बारे में, आज मैं तुझे अपना चेला बना के रहूंगा। आंखें खोल साई, देख तेरा गुरु तेरे सामने खड़ा है। उठ साई, उठ जा। देखिए गुरुदेव, ना तो आप साई के साथ ऐसी बातें कर सकते हैं, ना तो उनके ध्यान में बाधा डाल सकते हैं। ध्यान पूरा किए बिना वो नहीं उठेंगे। अरे डरता है ये मुझसे, इसलिए आंखें नहीं खोल रहा है, लेकिन मैं भी देखता हूं कब तक। उठ, उठ साई, आंखें खोल और बात कर मुझसे, शास्त्रार्थ कर मुझसे, दिखा अपनी हिम्मत और सामना कर मुझसे, मेरी चुनौती स्वीकार कर साई।
मूर्खो, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पानी लेके आओ और आग बुझाओ। रुकिए, रुकिए। ये क्या? रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे साई की धुनी है, पवित्र अमर ज्वाला। न जाने कितने लोगों के लिए जीवन दायिनी है ये। इसे बुझाने का हक किसी को नहीं है। लाइए, छोड़िए। गुरुजी आग, गुरुजी आग। गुरुजी ये क्या हो रहा है? गुरुजी रक्षा कीजिए। गुरुजी अरे चलो, किसी का वश नहीं है, अब तो हमारी ईश्वर ही मदद कर सकता है। अब तो बस साई ही कुछ कर सकते हैं। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। तुम्हारा दिमाग खराब है? आग बुझाने के बजाय इस फकीर का नाम ले रहे हो? अरे हमारी जान बचाओ। हमें साई पर अटूट विश्वास है। ओम साई राम, 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 साई राम। अपने परम भक्त की रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। शांत हो जा, हमारी द्वारका माई में मेहमान आए हैं। बंदे हैं हम सारे उस
उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह कोई भी सफर, कोई भी राह कोई भी सफर, उस तक पहुँचे हर एक डगर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर, रहम नजर साई, रहम 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 नजर। में आपका स्वागत है नटराज जी। आपको इंतजार करना पड़ा, इसलिए माफी चाहता हूं। क्षमा कर दीजिए साईं, अहंकार में अंधा हो गया हूं मैं। उठिए नटराज जी। आप जैसे सिद्ध पुरुष को ऐसा नहीं कहना चाहिए। काहे का सिद्ध पुरुष, हमारी सिद्धि तो केवल फल और भस्म को प्रकट करने तक ही रह गई है, मगर आपकी सत्ता स्वयं पंच महाभूतों पर चलती है, तभी तो अग्नि ने आपकी बात मान ली। ज्ञान तो अग्नि की तरह है, ये अग्नि तब तक जलती है जब तक इंसान का अहंकार दूर ना हो जाए, उसे अपने अंधकार की गहराई नजर ना आ जाए। एक बार अहंकार दूर हुआ तो अंधकार भी नहीं टिकता। आपका अहंकार मिट गया और अग्नि भी बुझ गई। जो किया वो आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया। साईं, पर ब्रह्म की खोज में मैं पूरी दुनिया में घूमता रहा, किंतु दर्शन यहां हुए मुझे शिरडी में आपके रूप में, और मैं मूर्ख यहां आया आपको अपना शिष्य बनाने के लिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप मुझे अपना शिष्य बनाए और अपने आशीर्वाद की छाया में रखें। नटराज जी, आप तो ज्ञान का अथा सागर हैं। अपनी सिद्धि का प्रयोग अपने अहंकार के लिए नहीं, लोगों के हित के लिए कीजिए। राम जी भला करें। आज श्रावण का आखिरी सोमवार है।
हमने महादेव के अभिषेक का आयोजन किया है। केवल आपका इंतजार था नटराज जी, आप आ गए हैं तो मैं चाहता हूं कि ये पूजा आप करवाइए। तो साईं ने इनके लिए कहा था कि कोई विशेष व्यक्ति आने वाला है पूजा में सम्मिलित होने। ये मेरा सौभाग्य है साईं।